हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम बना रहे हैं वेज नूडल्स। तो देखिए, मैंने यहाँ पे वेज नूडल्स के लिए ना नूडल्स बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है। मैंने इसमें ऑयल डाला है और नमक डाला है। मैं इसे बॉईल करूंगी हल्का गलने तक। चलिए, तो गाइस ये बिल्कुल अच्छे से बॉईल हो चुका है, ये देखिए। अब हम इसे निकाल लेंगे, ठीक है। मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और अब हम इसे इसमें निकालेंगे और फिर इसे हम ठंडे पानी में डाल देंगे, ठीक है। तो गाइस देखिए, मैंने नूडल्स को ठंडे पानी से निकालते ही धो लिया और इसके ऊपर ऑयल डाल दिया है। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप ऑयल डालते हैं नूडल्स को ठंडे पानी से धोने के बाद, तो ये कभी भी चिपकेगा नहीं और स्टिकी नहीं बनेगा। ये हमेशा खिला खिला से बनेगा, तो ये हमेशा ध्यान में रखें आप जब भी नूडल्स बना रहे हो। तो यहाँ पे मैंने पैन चढ़ा दिया है। मैंने पुराना बर्तन लिया है, क्योंकि पुराना बर्तन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें अच्छा बनता है नूडल्स। ये काफी ऑयली, मतलब मैंने बहुत ज्यादा ऑयली चीजें इसमें बनाती हूँ, इसलिए ये अच्छा बनता है इसमें। तो मैंने इसमें 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाला है, ज्यादा करके ऑयल डाला है। अब मैं इसमें जिंजर ऐड करूंगी, जिसे मैंने बारीक काट लिया था एकदम। थोड़ा सा जिंजर का कलर जब चेंज हो जाएगा तब मैं इसमें, अब मैं इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करूंगी और एक चिली। तो जब तक हमारा प्याज और अदरक हल्का ब्राउन होगा तब हम इसमें वेजीज डालेंगे। तो अब हम इसमें हल्का सा गार्लिक डालेंगे, ठीक है। अब इसमें हम अपने वेजीज को डालेंगे। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ जुलियन कटा हुआ, कैरेट, ऑरेंज वाला, और मैं डाल रही हूँ इसमें बेल पेपर, कैप्सिकम, कैबेज, ठीक है। तो सारे वेजीज मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसके बाद हमको वेजीज को हल्का सॉटे करना है। तो अब मैं इसमें डालूंगी ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर मैं 1 टीस्पून के करीब डाल रही हूँ और मैं डालूंगी इसमें चिली फ्लेक्स। मेरा चिली फ्लेक्स थोड़ा ज्यादा तीखा है तो मैं इसमें 2 पिंच के करीब डाल रही हूँ। आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी पेपरिका। मैं ये वाला पेपरिका पाउडर यूज कर रही हूँ, किया का। आपके पास जो भी है आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसे अच्छी तरह सॉटे कर ले। अब मैं इसमें डालूंगी सेजवान चटनी, तीखी वाली, 1-2 टेबलस्पून। अब मैं इसमें डालूंगी सोया सॉस, 1-2 टेबलस्पून। मैं इसमें विनेगर नहीं डाल रही हूँ, आप अगर चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, वरना आप स्किप कर दें। वैसे विनेगर के बिना भी ये टेस्टी बनता है। और आप जो चाहते हैं, जो भी वेजीज चाहते हैं आप वो वेजीज डालें और उसी वेजीज से बनाएं तो भी ये अच्छा बनेगा। तो अब मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक मैं ज्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि मेरे चाउमीन में पहले से नूडल्स में मैंने नमक डाल रखा है, तो मैं इसमें कम नमक डाल रही हूँ अपने टेस्ट के हिसाब से। और अब हम इसमें डालेंगे टमाटो सॉस। आप सोच रहे होंगे मैंने ग्रीन चिली सॉस नहीं डाला है, तो मैंने इसलिए नहीं डाला है क्योंकि मैंने पेपरिका का यूज किया है। अगर आप पेपरिका यूज नहीं करते हैं, आप चिली फ्लेक्स नहीं यूज करते हैं, तब आप ग्रीन चिली ऐड कीजिए, नहीं तो बहुत तीखा हो जाएगा। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून के करीब मैंने टमाटो सॉस डाल दिया। अब इसे अच्छे तरीके से हम बस 2 मिनट अच्छे से सब्जी को, वेजीज को सॉटे करेंगे। तो 2 मिनट हो चुका है। अब मैं इसमें अपने नूडल्स को डालूंगी। देखिए, अभी तक ये नूडल्स बहुत ही खिला खिला सा है, आप देख सकते हैं एकदम खिला खिला सा है। तो मैं हाफ हाफ करके डालूंगी, एक साथ नहीं डालूंगी, और मिक्स करूंगी, उसके बाद में हाफ डाल दूंगी। देखिए बड़ा बर्तन मिल नहीं होता है, आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। अब जो हाफ नूडल्स है उसे भी हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। फिर अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। तो अब ये बिल्कुल तैयार है,
और ये सर्व करने के लिए भी तैयार है। देखिए हमारा, मैं आपको स्पून से दिखा सकती हूँ, देखिए ये कितना खिला खिला सा बना है हमारा नूडल्स। गाइज अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि मेरा एक चैनल है। गाइज प्लीज सपोर्ट मी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जरूर। और हाँ, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा डाल दूंगी कि मैंने क्या क्या चीज कितने क्वांटिटी में डाला है, तो उसके लिए तो आप बेफिक्र रहें। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय।